नमस्कार दोस्तों, कमेंट्स का दौर अभी भी चालू है और ताज्जुब हो रहा है मुझे कि नवयुग लोग क्या क्या कमेंट्स कर देते हैं, क्या क्या उनके दिमाग में भरा हुआ है ठेकेदारों के प्रति। देखिए इस कमेंट से जानते हैं। एक बंधु ने लिखा है कि सर, क्या ठेकेदार फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। जिस बंदे ने यह सवाल किया है, मैं उसके दिमाग को दांत देता हूं कि वो ठेकेदारों के बारे में कहाँ तक सोच रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बड़ा मुद्दा है ये दोस्तों। जिस आदमी ने फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस कर लिया, ये समझ लीजिए अपने जीवन में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया, या यूं कह सकता हूं कि इस संसार में 90% लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस नहीं होता है, क्योंकि खर्चे इस तरह मुंह बाए खड़े रहते हैं। आज के जमाने में महंगाई के इस दौर में कई टाइप के खर्चे होते हैं, और वो कई टाइप के जो खर्चे होते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। हमारे चाचा जी एक कहा करते थे कि आदमी के पास पैसा कितना भी हो, कम ही पड़ता है। मैंने कहा, कैसे चाचा जी? मान लीजिए एक आदमी के पास, उस समय की बातें बता रहा हूँ, ये बात 80 के आसपास की है। तो मैंने कहा, चाचा जी, यदि आदमी के पास उस समय, मुझे भी 5-7 लाख रुपए बहुत अच्छे लगते थे, और मैं मानता था 5-7 लाख रुपए में आदमी फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करने लग जाता है, और उस समय ऐसी व्यवस्थाएं भी थी, पैसे की कीमत थी। आजकल तो आप थैला भर के ले जाइए और जेब में कुछ लेके आ जाइए, ऐसी स्थितियाँ हैं। आप यदि 100 ग्राम सोना लाएंगे तो थैला भर के ले जाना ही पड़ेगा आपको। 100 ग्राम सोने के लिए आपको नोटों के बंडल के बंडल, यदि 100-100 के नोट मिल जाते हैं तो थैला भर के लाना पड़ता है, और यदि लाएंगे तो इतनी सी डली आएगी और आप कहीं भी डाल सकते हैं उसको। तो ऐसी स्थितियां होती थी। तो उन्होंने, चाचा जी ने कहा कि पैसा कोई ज़्यादा आदमी को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता है बेटे। मैंने कहा, कैसे? यदि 5-7 लाख रुपए आदमी के पास हो जाते हैं तो बहुत होते हैं। 5-7 लाख रुपए में आदमी जीवन यापन कर सकता है। तो उन्होंने एक ज़ोरदार बात कही थी, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था, बेटे तू जिस 5-7 लाख रुपए की बात करता है, वो उन्होंने मारवाड़ी में बोला था कि बे 5-7 लाख रुपया हूँ घूमड़ो ठीक को नहीं होगा आदमी को। घूमड़े का मतलब होता है फोड़ा। तो मैंने सोचा, चाचा जी क्या बात कर रहे हो आप, एक घूमड़ा तो 10 रुपये 5 रुपये की दवाई से ठीक हो जाता है। बोले, बेटा कैंसर भी तो एक घूमड़ा ही है, फोड़ा ही है वो। और यदि किसी के कैंसर हो जाए तो 5-7-10 लाख रुपया नहीं, 20-30-50 लाख रुपये भी थोड़े पड़ जाते हैं, और अंत में आदमी को जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ठेकेदार भी फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं महसूस करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसका कारण है कि उनकी साइटें कई चलती रहती हैं, एक साइट नहीं चलती है, दो दो तीन तीन साइट चलती हैं, और साइट पर अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आ जाते हैं। एक गाड़ी इधर से उधर गई और कहीं एक्सीडेंट हो गया तो 1-2 लाख रुपये लगना साधारण सी बात है, और यदि कोई ह्यूमन ट्रेजेडी हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो कितने लग जाएं कोई पता नहीं होता है। एक साइड पे कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए ऊंचा ऊंचा हाइट पे काम चल रहा है और वहां से कुछ, मान लीजिए कोई शटरिंग की बल्ली या टेका गिर गया और उसके नीचे कोई ह्यूमन ट्रेजेडी हो गई, तो कितना पैसा लग सकता है आप समझ सकते हैं। तो हर जगह आदमी को फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस नहीं होती है। हाँ, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें आदमी को फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस कर सकता है, मगर करना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा कभी भी कम पड़ जाता है आपके पास, चाहे कितना भी पैसा हो। वो आप आज बिरला जी को, टाटा जी को, डालमिया जी को, अंबानी जी को, अडानी जी को देखिए आप, मतलब कई राष्ट्रों की, कई ऐसे छोटे राष्ट्र हैं जिनकी टोटल संपत्ति एक रिचेस्ट आदमी की हो सकती है, यानी एक देश की या 5 देश की सबके मिलाकर के एक रिचेस्ट आदमी, अंबानी जी अडानी जी जैसे की संपत्ति उन 5ों राष्ट्रों के बराबर हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कर पाते, तो ठेकेदारों की तो औकात ही क्या है दोस्तों। मैं औकात का मतलब, मेरा मतलब है कि भाई उनकी कैपेसिटी भी आप चाहे जितनी बढ़ा लीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं महसूस करते हैं, और यदि करते भी हैं तो थोड़े टाइम के लिए करते हैं। उन्हें ये आभास रहता है कि कभी भी ये पैसा अपना बुरे वक्त में काम आ सकता है, और बुरे वक्त के लिए पैसा बचाना बहुत जरूरी होता है।
इसीलिए ठेकेदार लोग अपना पैसा जमीनों में, बिल्डिंग्स वगैरह में या ऐसी जगह इन्वेस्ट करके रखते हैं ताकि कभी भी पैसे की ज़रूरत हो तो वो निकाल लें। यदि ऐसा आप भी करते हैं तो बढ़िया बात है, और कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम की सोचिए मत, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम आदमी के होता नहीं है। ये मन की एक भावनाएं हैं कि इतना आ जाएगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मेरी चैनल एहसान शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार के कोई भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे लिखिए। मैं उन सब का मेरे दिमाग से, मेरे अनुभव से, जो मैंने देखा है, पाया है, सोचा है, समझा है, देखा है और इस 70 साल की उम्र में जो अनुभव किया है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आशा है वीडियो पसंद आया होगा आपको। यदि पसंद आया है तो सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का विशेष ख्याल रखिए, और यदि दादाजी दादी जी आपको सौभाग्य से अभी प्राप्त हैं तो उनका और ज़्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।